जादुई घर। इस प्यारे से गांव में सभी लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। एक दिन की बात है, सुरेश अपने घर लौट कर आता है और अपने पत्नी से कहता है कि सुनती हो जी, मुझे दूसरा घर मिल गया, अब हम लोग सभी वहीं पर रहेंगे। अब हमें इस कच्चे मकान में रहने की जरूरत नहीं है, अब हम बड़े से बंगले में रहेंगे। मैंने दूसरा नया घर खरीद लिया है, अब जल्दी से तैयारी करो वहां पर जाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग बहुत रह चुके हैं, यहाँ पर अब मेरा भी मन नहीं लगता। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हाँ जी, आपके बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग इस घर में रह कर एकदम पक गए हैं। अब तो हम लोगों को दूसरा घर खोजना ही पड़ेगा, वरना बारिश के समय में इसमें पानी भर जाता है और हम लोग खाना भी नहीं खा पाते। इसलिए हम लोग दूसरा घर में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी तैयार करती हूँ बच्चों को चलने के लिए। तभी वो लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं और उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं। और अपने घर के बाहर सभी लोग आते हैं और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। और गांव से निकलते हुए वो लोग अपने पुराने रास्ते वाले पे जाने लगते हैं। और वो रास्ता पहाड़ की तरफ से गुजरता है। उस पहाड़ी रास्ते से ये सभी लोग अपने मकान की ओर जाने लगते हैं। और जाते जाते शाम हो जाती है। तभी ये लोग अपने मकान के पास पहुंच जाते हैं और जैसे उसके ही अंदर जाते हैं, तभी सुरेश कहता है कि ये घर ठीक है ना, देख लो अच्छे से, ऐसा घर कम कीमत में कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा घर है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये घर तो बहुत ज़्यादा डरावना है। इसमें हम लोग कैसे रहेंगे? सारे बच्चे डर जाएंगे और रात में मुझे भी घबराहट होती है। इस घर में इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तुम्हें और कोई घर नहीं मिला था? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तुम ये घर बदल दो, मुझे इसमें नहीं रहना है। तभी सुरेश कहता है कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये घर हमारे लिए एकदम सुरक्षित है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें कुछ देर बाद कुछ बताऊंगा और फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तभी वो लोग अंदर से उनके बच्चों की आवाज आती है और ये दोनों लोग दौड़ते हुए उस दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी रो रही थी। अपनी बेटी के पास सुरेश जाता है, अपनी बेटी को चुप कराता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा भाई कहाँ है छोटा वाला, और तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसकी बेटी कहती है कि पापा पापा पापा, वो चुड़ैल ना बाबू को लेकर गई और वो कह रही थी उसे मार डालेगी। तुम कुछ करो ना। मैं उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल उसको नहीं छोड़ रही थी। कह रही थी कि मैं इसे खा जाऊंगी, अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो चुड़ैल उसे खा जाएगी पापा। तभी वो सुरेश अपने बेटी को अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर भेज देता है और फिर कहता है, चुड़ैल तू कहाँ है, बाहर निकल। तभी चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और उसके साथ उसका बेटा भी रहता है। चुड़ैल से कहता है सुरेश कि तू मेरे बच्चे को छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा, मुझे पता है तेरी क्या कमजोरी है, तू अगर मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगी तो तू मर जाएगी। फिर चुड़ैल कहती है कि तू तो सही कह रहा है, लेकिन अगर तुम लोग ये घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, अगर अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ। तभी सुरेश कहता है कि मुझे पता था तू ये सब जरूर करेगी, इसलिए मैं पहले से इंतजाम किया था। और सुरेश उसे चुड़ैल से लड़ जाता है और चुड़ैल को मारने लगता है, चुड़ैल गायब हो जाती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से अपने घर के अंदर चला जाता। घमंडी पंडित। एक प्यारे से गांव में एक बहुत ही प्यारा एक घर रहता था। एक दिन की बात है, रमेश अपने पत्नी से कहता है कि अजी सुनती हो, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ,
अगर कोई सामान तुम्हें लाना है तो बता दो, मैं कोई भी सामान लेकर चला आऊंगा। बाहर तुम मत जाना बाजार लेने के लिए। तभी उसकी पत्नी कहती है कि घर में कोई भी सामान नहीं है खाने के लिए, आज क्या हमारे बच्चे खाएंगे? इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो लेकर आना ही होगा, क्योंकि हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आप आते वक्त कुछ लेकर आइएगा। तभी ये सब सुनकर रमेश अपने घर की से निकलकर और गांव से होते हुए ऑफिस की ओर जाने लगता है। उसकी पत्नी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। इधर रमेश अपने गांव से होते हुए पहाड़ी इलाकों में जाते हुए, उसके गांव से पहाड़ी इलाके के रोड गुजरते थे, वहां से जाने लगता है ऑफिस। तभी उस गांव में एक पंडित आता है और वो गांव से गुजरते हुए सीधे रमेश के घर की तरफ जाता है और उसके घर पहुंचने के बाद सीढ़ियों से ऊपर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है कि कोई घर में है, मुझे भिक्षा चाहिए, कोई है तो दरवाजा खोलो। तभी उसकी पत्नी जो दौड़ते हुए गेट के पास आती है और जल्दी जल्दी जाती है, दरवाजा खोल देती है और तांत्रिक को अंदर लेकर आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा आप बैठिए, मुझे आपकी क्या सेवा करनी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं आपकी कितनी सेवा कर सकती हूँ। तभी तांत्रिक बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम अन्न लाओ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तुम्हें मुझे मेरा पेट भरना ही होगा, जाओ बेटा जाओ मेरे लिए अन्न लेकर आओ। इतना कहता है और फिर जाकर रमेश की पत्नी कहती है, माफ कीजिएगा बाबा, मेरे घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से लाऊं? अगर अगर आप शाम को आइए तो मैं आपको आप पेट भर सकती हूँ, क्योंकि अभी इसके मेरे पति घर पे नहीं है। और ये सब कहते हुए उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है। तभी तांत्रिक कहता है कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे पति इस घर में कभी लौट कर नहीं आएंगे, तुमने एक पंडित का पेट नहीं भरा जा सका, अब तो तुम्हारा घर के पेट का कभी नहीं भराएगा। और तांत्रिक बहुत ज्यादा श्राप देने लगता है, पूरे गांव को श्राप देने लगता है, कहता है इस गांव के सभी आदमी मर जाएंगे। और इतना कहकर पंडित बाबा अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वो गांव से गुजरते हुए जाते हैं और उनको जाते समय बहुत शाम हो जाती है और वो घने जंगलों से गुजरते हुए अपनी गुफा की ओर जाने लगते हैं। अपने गुफा की ओर पहुंचने के बाद पंडित बाबा अपनी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद यहाँ पर रमेश ऑफिस से लौट रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। रमेश उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चुड़ैल से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे दो बच्चे हैं, एक पत्नी है, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो उन सब भूख के मारे मर जाएंगे, मेरे घर में खाने के लिए भी खाना नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी सारी जो तुम कहोगी मैं तुम्हारा वो करूँगा। तभी चुड़ैल कहती है कि मैंने भी बहुत छोड़ने की और छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी पत्थरों के बीच मुझे मार दिया गया, किसी ने भी मेरी एक ना सुनी तो मैं तुम्हारी कैसे सुन लूँ, तुम्हें तो मरना ही होगा। इतना कहकर चुड़ैल तलवार निकालती है और रमेश की ओर बढ़ती है और रमेश पर हमला कर देती है। रमेश भी बहुत बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रमेश की एक ना चली और रमेश मर जाता है। चुड़ैल ऐसे करके गांव के सभी लोगों को मार देती है। द एंड, स्टोरी समाप्त हो गई। भूतिया सोसाइटी, इस प्यारे से गांव में एक बहुत सा प्यारा एक छोटा सा परिवार रहता था। वहां के सभी गांव वासी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उस गांव में एक भूत का साया आ गया था जो कि सभी लोगों को डरवा कर रखी है।
और ये इसी बातों को टेंशन में लेकर सभी पत्नियां अपने पति को बहुत ज्यादा ही समझाने लगती हैं कि भूत वाले रास्ते से मत जाइए। तभी महेंद्र ये बात सुनकर अपने पति के ऊपर क्रोधित हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये सब फालतू की बातें मुझसे मत बताया करो। तुम्हारे ये सब फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें ये सब फालतू की बातें मुझसे करना हो तो आगे से तुम मुझसे बातें मत करना। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे वो वापिस जा रहा होता है गांव से गुजरते हुए, तो वो देखता है कि गांव के लोग सभी भूतों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए महेंद्र ऑफिस की ओर जाने लगता है और सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं। वहाँ से गांव का मुखिया गुजरता है और ये सब बात सुनकर उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या ये भूतों की बातें लगा कर रखे हो? अगर गांव वाले को डरवाना ही क्यों है तुम लोगों को? तभी रमेश कहता है कि नहीं मुखिया जी, हमारा ऐसा काम नहीं है। गांव में सच में जो गांव से रास्ता गुजरता है वहां पर एक सच में भूत का साया हो गया है, जो कि किसी भी लोगों को वहां से गुजरने नहीं देती। अगर कोई भी वहां से गुजरता है तो उसे मारकर खा जाती है, इसलिए हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग वो रास्ता छोड़ दें, क्योंकि अगर उस रास्ते से कोई भी गुजरेगा तो उसका मरना निश्चित है, इसलिए हम लोग आपसे आ ही रहे थे मिलने। तभी मुखिया पुलिस के पास फोन लगाता है और पुलिस से बहुत देरी तक बातें करते हुए पुलिस को सारे गांव की घटनाओं के बारे में बताता है और कहता है पुलिस से कि तुम जल्दी यहाँ पर आ जाना क्योंकि मेरे गांव के लोग सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इतना कहकर मुखिया बहुत सारी परेशानी पुलिस को बताने लगता है और परेशानी बताते बताते वह फोन रख देता है और सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं और अपने घर की ओर सभी लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस गांव में आता है और मुखिया के घर को खोजते हुए मुखिया के घर की ओर जाने लगता है और पुलिस मुखिया के घर की ओर चला जाता है और मुखिया के घर के पास जाने के बाद मुखिया के घर के अंदर जाता है तो देखता है मुखिया वहां पर बैठा रहता है। मुखिया के पास जाता है और वहां पर खड़ा हो जाता है और मुखिया से कहता है कि आपका कौन सा काम है? आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया, मुझे कहीं और जाना था। तभी मुखिया कहता है सारी भूतों की कहानी पुलिस को सुना देता है और पुलिस ये सब बातें सुनकर मजाक में ले लेता है और फिर उसकी सारी बातें मुखिया पुलिस को सुनाता है और फिर जाकर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे गांव में, हमारे गांव के लोग ये रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये सब बातें मुखिया सारी पुलिस को बताने लगता है और सारी बातें बताने के बाद पुलिस सोच में पड़ जाता है और फिर जाकर पुलिस उस गांव का परेशानी को समाप्त करने की कोशिश करता है और उस जंगल वाले रास्ते के बारे में सोचते हुए पुलिस धीरे धीरे से जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल की ओर जाते हुए पुलिस बहुत गंभीर समस्या में सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गांव वालों को डरवा रही है। और फिर वो काली हवेली के पास जाता है, वहां पर देखता है खंडहर रहता है और उस हवेली के अंदर जाता है तो वहां पर तीन तीन आत्माओं का साया देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी उसके पास एक चुड़ैल आती है जिसके पास सरकटा दाना रहता है और वो चुड़ैल उससे कहता है पुलिस की मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। तभी चुड़ैल कहती है, मैंने भी 2 साल पहले ऐसे ही विनतियाँ की थी लेकिन चार कुछ लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी मार दिया, सब खत्म कर दिया। इसलिए इस हवेली में जो भी आता है मैं उसे मार कर उसका खून पी जाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत छोड़ने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैं ना ही किसी की मदद करती हूँ ना ही किसी की मदद करने देती हूँ। अब तू भी मरेगा, तेरा भी खून मैं पी जाऊंगी। चुड़ैल ये सब बातें उससे कहती है और एक तलवार निकालती है और पुलिस वाले के पास जाती है, पुलिस पर हमला कर देती है
पुलिस भी बहुत बचने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल उसे मार देती है।